morning everyone and welcome to my sociology class. I am Sudhanna Sengupta and today my topic is technology and food. Food industry mein technology ka kitna importance hai uske bare mein hum batayenge. So how technology used in food in industry? Technology helps food manufacture. Pehle to manufacture ke liye use hota hai. Growing matlab abhi पॉपुलेशन जो है बहुत बढ़ चुका है वर्ल्ड में, नॉट ओनली इंडिया में, तो उसके हिसाब से टेक्नोलॉजी यूज होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जो टेक्नोलॉजी जो है फूड मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, फूड सेफ्टी रिजर्व अराउंड द टेक्नोलॉजी, द ग्रेटर यूज ऑफ द मशीन्स एंड सॉफ्टवेयर इंश्योर एड्यूरेबिलिटी एंड कंसिस्टेंट क्वालिटी. तो इससे क्या होता है कि सबके अफोर्डेबिलिटी, सब लोग अफोर्ड कर सकते हैं, क्वांटिटी का जो मतलब रेशियो है वो बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी का यूज होना बहुत जरूरी है. एंड कंसिस्टेंट क्वालिटी, नॉट ओनली क्वांटिटी, क्वालिटी के लिए भी ध्यान देना पड़ेगा. दिस इंपॉर्टेंस टेक्नोलॉजी इज मैन्युफैक्चर कंटिन्यूज टू ग्रो. इसीलिए, इसी वजह से एक साथ टेक्नोलॉजी यूज करने से हम लोग क्या कर रहे हैं, फर्स्ट फूड सर्व हो रहा है, फूड सेफ्टी हो रहा है, डिफरेंट सॉफ्टवेयर यूज हो रहा है फॉर क्वालिटी एंड क्वांटिटी को चेक करने के लिए. तो टेक्नोलॉजी इज इंपॉर्टेंट टू फूड इंडस्ट्री. व्हाई फूड टेक्नोलॉजी इज इंपॉर्टेंट? फूड टेक्नोलॉजी जो है वो क्यों इंपॉर्टेंट है? तो ये जो है, ये फूड टेक्नोलॉजी पहले तो डिजीज को मतलब रिड्यूस कर रहे हैं, क्वालिटी की फूड क्वालिटी को इम्प्रूव कर रहा है, सेफ्टी कंजम्पशन देख रहे हैं, वैरायटी ऑफ फूड आइटम्स देख रहे हैं, फूड आइटम्स अभी पहले से बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, अफोर्डेबिलिटी ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट जो है जो सब सब आसानी से मैंने मतलब ले सकते हैं, ऐसे वो देखते हैं, बेटर प्रिजर्वेशन टेक्निक, प्रिजर्व टेक्निक जो है, लेसर वेस्टेज जो है, फूड का जो खराब हो जाता है उसको हम फेंक देते हैं. तो टेक्नोलॉजी यूज करने से क्या होता है, एक फूड, कोई भी फूड मतलब लॉन्ग टाइम तक वो चलता है. एग्जाम्पल्स क्या है फूड टेक्नोलॉजी का? दैट इज द पिज्जा पेमेंट शेयरिंग, ये बहुत ही कॉमन एक टेक्नोलॉजी है. रेस्टोरेंट ऐप एक्सपेंशन, आप गूगल सर्च करेंगे तो रेस्टोरेंट ऐप निकल जाएगा. कोई भी रेस्टोरेंट को सर्च करने से आपको रेस्टोरेंट, कोई भी ऐप में जाके आप लोग किसी रेस्टोरेंट को सर्च करेंगे तो वहां पर रेस्टोरेंट के डिटेल्स, फूड वैल्यूज, मतलब फूड वैल्यूज, उसके बाद वहाँ का फूड का जो ओपिनियन है, 5 स्टार 3 स्टार्स ऐसे करके ओपिनियन आता है, उसके बाद फूड क्वालिटी, फूड का प्राइस, ये सब कुछ हम लोग रेस्टोरेंट ऐप से हम लोग जान सकते हैं. तो डिजिटल डॉगनट नोटिफायर्स, ये सब नोटिफिकेशन आता है, आप लोगों के पास मेल भी आ जाएगा अगर आप किसी ऐप में अगर लॉग इन करे तो. माइंड रीडिंग मेन्यूज, मेन्यूज क्या क्या रहेगा ये सब कुछ, जैसे कि डिफरेंट ऑकेशन में, जैसे दुर्गा पूजा में एक मेन्यू, ईद में एक मेन्यू, ये सब मेन्यू चेंज होता है. मोबाइल फूड पेमेंट सर्विस, मोबाइल के थ्रू आप फूड पेमेंट कर रहे हैं. स्पेशल डायट्री रेस्टोरेंट ऐप, तो ये सब रेस्टोरेंट जो ऐप है ये सब आप लोग देख सकते हैं, इनफैक्ट आप लोग जानते भी हैं ऑलरेडी. टेक्नोलॉजी इफेक्ट्स इन फूड इंडस्ट्री, इफेक्ट्स क्या है? स्मार्टफोन इज द रिहैपिंग द वे ऑफ द फर्स्ट फूड रेस्टोरेंट सर्व कस्टमर्स. माइंड यू, मोस्ट ऑफ दिस एडवांस नॉट इंजीनियर टू द replace restaurant employees but rather assist to their work and help establishments please and meet the demands of their customers. technology kya karte hai, sab kuch dekhte hai, matlab not only food quality, customer ka demand kya hai, market ka demand kya hai, kaun sa food abhi market mein zyada chal raha hai, to
ये सब एस्टेब्लिशमेंट, देयर आर डिफरेंट डिफरेंट वर्क एस्टेब्लिशमेंट होता है, डिमांड्स एंड सप्लाई, सप्लाई डिमांड एंड सप्लाई इकोनॉमी का, इकोनॉमिक्स का एक बहुत मैंने मतलब क्या है कि इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इंपॉर्टेंट थिंग्स है डिमांड एंड सप्लाई का, अगर हम इकोनॉमी का पार्ट अगर हम समझे हैं तो ये कस्टमर्स को डिमांड्स के थ्रू फूड सप्लाई दे रहे हैं, तो ये सब टेक्नोलॉजी यहाँ पर यूज हो रहा है, एज यूजुअल यूज हो रहा है. Technology is changed the restaurant industry. Technology has always had a strong positive impact of the restaurant industry. The combination just makes sense. Restaurant went to deliver a flawless, convenient and the enjoyable experience to their customers. Technology offers a means to speed up processes and improve the customer experience. Technology has always had a strong positive impact रहता है टेक्नोलॉजी का डेफिनेटली रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में. द कॉम्बिनेशन जस्ट मेक सेंस, रेस्टोरेंट वांट टू डिलीवर द फ्लॉलेस, एक तो फ्लॉलेस होता है, कन्वीनियंट होता है, एंजॉयबल एक्सपीरियंस होता है टेक्नोलॉजी यूज करने से. हम लोग ऑर्डर दे रहे हैं, घर में डिलीवरी हो जा रहा है, हम लोग पेटीएम या फिर फोन पे से पे कर दे रहे हैं, तो इतना झंझट नहीं होता है टेक्नोलॉजी यूज करने से. व्हाई टेक्नोलॉजी इंक्रीज फूड प्रोडक्शन, दैट इज द पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, ये सब मॉडर्न एग्रीकल्चरल जो मशीनरीज है, फर्टिलाइज, ये सब तो यूज हो रहा है. आर्टिफिशियल सिलेक्शन हैज बीन टू इंक्रीज इन द फूड प्रोडक्शन, दैट मीन्स ये जो फर्टिलाइज, पेस्टिसाइड, ये सब जो यूज हो रहा है, इसका मतलब है आर्टिफिशियलिटी इंक्रीज इन द फूड प्रोडक्शन डेवलपमेंट एंड यूज टू द केमिकल फर्टिलाइजर ऑन द फॉर्म ऑफ द बूट of level of the nutrients in the soil, increasing the crop yield. तो ये nutrients जो पौष्टिकता होता है एक खाने का, ये जो पौष्टिकता होता है ये वो chemicals development of the chemicals fertilizer क्या करता है, मिट्टी में nutrients का जो ratio है वो बढ़ा देता है, crop क्रॉप में वो ऑटोमेटिकली मिट्टी में जाएगा तो क्रॉप में भी जाएगा. तो ऐसे ही टेक्नोलॉजी इंक्रीज कर रहा है फूड प्रोडक्शन में. सो दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू सो मच, प्लीज कीप वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल. टिल देन गुड बाय.